देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले है क्या उसको हम समझते हैं कि स्टोरी की तरह। मान लो कि एक तुम्हारा कोई फ्रेंड है, पेन खरीदा और पेंसिल खरीदा, और तुमसे वो बोला कि हम 5 पेन और 10 पेंसिल, मतलब 5 पेन एंड 10 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। 5 पेन एंड 10 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। अब आप बताओ तो पेन का क्या कॉस्ट और पेंसिल का क्या कॉस्ट है? तो फिर आप सोचिएगा कि पेन का कॉस्ट होगा 10 रुपया और पेंसिल का कॉस्ट होगा 5 रुपया। तो पेन का अगर कॉस्ट है 10 रुपया, पेंसिल का कॉस्ट हुआ 5 रुपया, तो मिलकर 100 रुपया हो गया। तो इसका मतलब आप दिमाग में लगा लिए क्या कि पेन 10 रुपये का था, पेंसिल कितने का था? 5 रुपये का। उसी में से कोई बच्चा बोला नहीं, पेंसिल जो था वो 4 रुपये का था। तो पेंसिल अगर 4 रुपये का था, ये तो खैर 10 फीस है, पेंसिल अगर 4 रुपये का था तो फिर अब पेन कितने का हो गया? 12 रुपये का। फिर बोला नहीं दे, ऐसा नहीं था, पेंसिल तो 3 ही रुपये के हिसाब से लिए थे। बोला चलो ठीक है, तो पेंसिल हम लिए 3 रुपये के हिसाब से, तो पेन कितने रुपए का हिसाब से? 14। फिर वो नहीं, 2 रुपए का पेंसिल लिए, पेंसिल जो था 2 रुपए का था, तो फिर पेन का नाम कुछ और हो गया। कुल मिला के ये तो देख रहे हो कि यहां तो ठीक है, इसमें देख रहे हो ना कि ये ठीक है, ये फिक्स है, 5 पेन और 10 पेंसिल ये फिक्स है। लेकिन पेन का दाम क्या है, पेंसिल का दाम क्या है, ये इस सिचुएशन से तो खैर आप बता नहीं पाइएगा, आपको बेवकूफ बनाते रहेगा। बोले आप गेस करके बता दो, एकदम गेस कर दिए ना तो हम तुमको 100 रुपया देंगे, तुम ही गेस करके बताओ कि एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो पेन का क्या दाम था, पेंसिल का क्या दाम था। अगर कोई बता दे एग्जैक्ट दाम तो 100 रुपया। अब इसमें है क्या कि तुम अगर ये बोली तो भी सही, तो हम बेवकूफ बनाएंगे, नहीं हम तो 4 रुपए में पेंसिल लिए, कोई अगर 4 बोला तो बोलेंगे नहीं 3 रुपये में लिए, कोई अगर 3 बोला तो 2 रुपये बोल देंगे, 2 रुपये बोला तो 1 रुपये बोल देंगे, 1 रुपये बोला तो 50 पैसा बोल देंगे। मतलब ये तो वेरिएबल है, मतलब कि हमारे पास इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये भी एक वेरिएबल है, इसके कोई वैल्यू, मतलब कि ये पेन और पेंसिल जो है ये वेरिएबल क्वांटिटी है, इसका दाम कुछ भी हो सकता है, इसका भी दाम कुछ भी हो सकता है। इसी को अगर हमको रिप्रेजेंट करना रहता है इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम मान लेते हैं कि पेन का दाम था x, तो लिखते हैं 5x, और पेंसिल का दाम को मान लिया y, तो 10y = 100। ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि यहां पे डिग्री देखिएगा दोनों वेरिएबल का, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, तो चूंकि इसकी डिग्री 1 है इसलिए क्या है ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन में ये जो है ना कोफिशिएंट ऑफ x ये 5 है, कोफिशिएंट ऑफ y ये 10 है, ये 100 है, कांस्टेंट। अब लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हम ऐसे लिखते हैं, a x + b y + c = 0। और यहां पे a और b में से दोनों का दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों जीरो हो जाए, ये भी जीरो ये भी जीरो नहीं, इसमें से कोई एक रहना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब कि यहां पे दो वैल्यू है, एक x और एक y, मतलब एक पेन और एक पेंसिल। वन वेरिएबल भी हम लोग पढ़े क्लास 7 में भी, वन वेरिएबल पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 8 में पढ़े होंगे जैसे हम लोग को दिया जाता था कि 10x, मान लो कि दिया रहेगा p
कि 10x इक्वल टू 100, मतलब 10 पेन का दाम 100 रुपया है, तो 10 पेन का दाम 100 रुपया है, तो मतलब कि दाम कितना होगा एक पेन का 10, तो इसका मतलब इसका एक ही वैल्यू होगा, लेकिन अब यहाँ पे इसका कितना वैल्यू होगा इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इनफाइनाइट, इसको चेंज कीजिए ये चेंज होते जाएगा, तो इसीलिए देखो बिना अगर तुम इसका पॉइंट सॉल्यूशन पॉइंट निकालोगे कि एक्स और वाई का वैल्यू अगर लेके चले ग्राफ पे, जैसे यहाँ पे ना ये 10 है तो ये 5 है, ये 12 है तो ये 4 है, ये 4 है तो 3 है, तो कुल मिलाकर सारे पॉइंट मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पूरा मिलाकर, और स्ट्रेट लाइन मतलब कि ये भी इसका वैल्यू है, ये भी 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 वैल्यू है, सब उसका वैल्यू है ना, मतलब 10 5 भी इसका आंसर होगा, 12 4 भी आंसर होगा, 14 3 भी आंसर होगा, और यहां पे कोई मान लो 2.5 रुपया ले लिया तो ये 15 भी हो जाएगा, 15 2.5 हो जाएगा, और इस तरह से बहुत सारा वैल्यू है, तो यहाँ पर वेरिएबल दो है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या मतलब है, इसमें वेरिएबल आप समझ में आ गए कि वेरिएबल का मतलब क्या है, हम लोग इसको डेली लाइफ में इजीली एक्स वाई मतलब मत समझिए, एक्स वाई का मतलब वो पेन पेंसिल हो सकता है, हो सकता है कि आपको कोई कहा कि जाओ तुमको 100 रुपया दिया है कोई, और 100 रुपया तुम लेके गए या 200 ले गए या 500 ले गए, 500 वो कांस्टेंट टर्म है, 500 फिक्स है, 500 को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो 500 कांस्टेंट टर्म, और 500 में तुम गए मार्केट से, तुम 2 kg एप्पल ले लिए एंड फिर वो 10 kg मैंगो ले लिए, 2 kg एप्पल एंड 10 kg मैंगो, टोटल कितना दाम हुआ 500। अब उसका सॉल्यूशन बताओ, तुम घर पे तुम किसी को ये मत बताना कि रेट क्या है एप्पल का और मैंगो का क्या रेट है, अब सोचिए उनके दिमाग में एप्पल और मैंगो का रेट जो आएगा वो कितना आएगा, तो बहुत सारा आएगा, जिस तरीके से वो मैंगो का दाम चेंज करेंगे उसके हिसाब से एप्पल का चेंज दाम अपने आप चेंज होगा, कभी एप्पल वो 50 सोचेंगे तो मैंगो 40 का हो जाएगा, एप्पल अगर 100 सोच लिए तो मैंगो 30 हो जाएगा, एप्पल का दाम कुछ और सोचेंगे उसके चेंज करते जाएगा, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ना है जिसमें दो वेरिएबल को लेना है। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमको निकालना है दोनों का तो फिर हमको कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए हमको कम से कम कितना इक्वेशन चाहिए, तो हमेशा याद रखना कि जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, अगर एक वेरिएबल हो तो एक इक्वेशन से हम एग्जैक्ट वैल्यू बता देंगे, दो वेरिएबल हो तो कम से कम हमको दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन, जैसे एक दिया ना 5 पेन और 10 पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो एक और इक्वेशन दे देता पेन और पेंसिल को मिला करके ही दो, तो दो इक्वेशन रहता है, दो वेरिएबल है, हम इजीली सॉल्व कर देते हैं, तो यहां पे आप देखिएगा आपके बुक के अंदर दिया हुआ भी रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब दिया हुआ है तो आपके पास इक्वेशन भी कितना रहेगा दो, और उन दो इक्वेशन के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, ऐसे वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जब दो इक्वेशन देगा ना तो दोनों का मतलब हो गया कि इसको भी सेटिस्फाई करे और नीचे वाला को सेटिस्फाई करे, तो फिर उसमें एक वैल्यू आएगा या बहुत सारा वैल्यू आएगा, ठीक है, जो हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि दो इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आगे चलते पड़ेगा तो थ्रू द डिटरमिनेंट, है ना। अभी फिलहाल यहां पे जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज पर बात करते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आपको ये अलजेब्रिकली, जैसे कि बताया ना कि 5 पेन 10 पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो अल्जेब्रिकली उसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया ना 5x + 10y = 100, मतलब x किसको माने तो पेन का दाम को x माने, पेंसिल का दाम को y माने, 5x + 10y = 100, और इसको अगर ग्राफिकली बनाना होगा तो फिर हम सॉल्यूशन उसका वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि एक पॉइंट पर x का आया 10
तो y का वैल्यू कितना आया 5। ग्राफ पे दिखाएंगे इसको, फिर लिए 12 तो लिए 4, ये भी ग्राफ पे दिखा सकते हैं, फिर लेंगे 14 तो 3, तीन पॉइंट आ गया ना, तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच सकते हैं, तो जो लाइन खींचेंगे वो ग्राफिकली कहलाएगा। तो अभी कह रहा है क्वेश्चन एक्सरसाइज हम आ जाते हैं 3.1 में। एक्सरसाइज 3.1 यहां पर कुछ वर्ड सम दिया हुआ है, मतलब कि एक कहानी दिया हुआ है, उस कहानी के बेसिस पर आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल में और फिर ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है। हमेशा एक चीज और दिमाग में रखिए कि अगर कोई वर्ड सम दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन हो चाहे कहीं भी, तो एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, पढ़े हुए इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होता है कि एक पहला नाउन आता है फिर उसके बाद एक और आता है, तो जो दूसरा आएगा उसको आप एज्यूम कीजिएगा पहले, अगर एक ही वेरिएबल से काम चलाना, तो ये तो दो वेरिएबल है तब तो दोनों के लिए अलग अलग ले ही लेंगे। तो यहां पर चूंकि दो वेरिएबल लेना है तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आप ऐसे देखिए, अफ्ताब टेल हिज डॉटर, यहाँ पे दो है, एक अफ्ताब है और एक उसकी बेटी है। 7 ईयर एगो, पर अफ्ताब है और उसकी बेटी है, तो हम मान लीजिए लेट एज ऑफ अफ्ताब, एज ऑफ अफ्ताब एक्स एज ऑफ हिज डॉटर, पहला क्वेश्चन ये कि अवतार का एज एक्स था, उसकी बेटी का एज वाई था। अब अवतार कहानी पर आता है कि 7 साल पहले, तो हमने कहा 7 ईयर एगो, एज ऑफ अवतार, अभी मान लो कि उसका एज एक्स है तो 7 साल पहले कितना होगा उसका एज, कुछ नहीं, जो अभी जो एज है उसका उसे 7 साल कम कर देंगे। मान ले तुम्हारा उम्र है अभी 15 साल, तो 7 साल पहले कितना था, तो 15 - 7 = 8 साल। अभी मेरी उम्र मान लो कि 30 साल है, 7 साल पहले कितनी थी 23। तो अभी मान लो उसका उम्र है x, तो 7 साल पहले उसका उम्र कितना होगा x - 7। तो एज ऑफ हर डॉटर कितना हो जाएगा y - 7। ये हो गया, अब रिलेट करते हैं। तो कह रहा है कि 7 ईयर हो, I was 7 times as old as you were then also 3 years from now। देखो पहले तो ये करता है कि 7 साल पहले मेरा उम्र जो था तुम्हारे उम्र का 7 times था। I was 7 times as old as you, उस समय जो तुम्हारा एज था उससे हम 7 times थे, मतलब कि अवतार का जो उम्र था मतलब कि x - 7, ये अपनी बेटी का एज का कितना था 7 times, y - 7। इसको सॉल्व कर देते हैं 7y - 49, तो x - 7y, और इसको उधर ले जाते हैं, ये मान लो कि -7 है ना प्लस 49 उसको उधर ही ले जाते हैं -49 और +7 x - 7y -42। चाहो तो तुम इसको इधर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग अल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि 3 years now, 3 years now का मतलब कि 3 साल बाद, लिखेंगे 3 years now एज ऑफ अवतार, अभी जो उम्र है 3 साल बाद उसका उम्र क्या होगा x + 3, एज ऑफ
his daughter, अभी उसकी बेटी का उम्र था वाई, अभी ये मतलब नहीं सुन रहे, इसका अर्थ पर का अभी उम्र है उसकी बेटी का वाई, तो तीन साल बाद उसकी बेटी का उम्र कितना होगा, वाई प्लस थ्री। अब इतना लिखने के बाद फिर पढ़िए क्या कह रहा है कि थ्री ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी थ्री टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब तीन साल बाद मेरा एज जो है तुम्हारा थ्री टाइम होगा, मतलब कि एक्स प्लस थ्री ये जो अवतार का एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह कर देना, वो अवतार का एज जो है वो थ्री टाइम है वाई प्लस थ्री, मतलब कि एक्स प्लस थ्री थ्री वाई नाइन, एक्स प्लस थ्री ऐसे ले आते हैं एक्स माइनस थ्री वाई और नाइन माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वेशन कितना हो गया सिक्स, एक इक्वेशन ये आया एक इक्वेशन ये आया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, समझे। अब ये आप एक हम लोग इसको किस तरह से अलजेब्रिकली जो भी कहानी वो बोल रहा है उसको हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिए। अब कह रहा है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, अब हमको इसको ग्राफिकली भी दिखाना है, तो ग्राफिकली दिखाना है तो अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये तो समझ में आ गया कैसे लिखे, इसको इरेज कर देते सिर्फ इक्वेशन को रख देते। देखो इक्वेशन पहला इक्वेशन को हम ग्राफिकली दिखाना चाहे तो ऐसे लिखा हुआ एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू इक्वल टू कितना है जीरो, है ना। तो हमेशा क्या करो कि अगर y मान लो नेगेटिव है तो उसको उस तरफ भेज देना, y को एक तरफ करोगे बाकी सारे टर्म को एक तरफ y को एक तरफ, तो माइनस सेवन वाई है उधर गया तो प्लस x प्लस फोर्टी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा सेवन वाई, या आप कह सकते हैं कि सेवन वाई इक्वल टू कितना हो गया x प्लस फोर्टी टू, तो y बराबर कितना हो गया x प्लस फोर्टी टू y में सेवन, ठीक है यहां तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो टेबल बनाने के लिए सिंपल सा ऐसे रखिए देखो कम से कम तीन पॉइंट लेना, ज्यादा ज्यादा आप चार भी ले सकते हो पांच भी ले सकते हो, यहां पे एक्स लिखेंगे और यहां पे वाई, टेबल में मतलब कि आपको करना क्या है ना कि एक्स का वैल्यू अपने मन से सोचना है, जैसे अगर मान लो तुम एक्स का वैल्यू लेते हो जीरो, तो जीरो प्लस फोर्टी टू फोर्टी टू फोर्टी टू बाई सेवन सिक्स, तो वाई का वैल्यू यहां पर आ गया सिक्स, वाई से ही सोच रहे एक्स का वैल्यू कितना सेवन, अगर मान लो तुम लिए सेवन तो सेवन प्लस फोर्टी टू फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन बाई सेवन सेवन, और क्या सोचोगे फोर्टी, फोर्टी लोगे अगर यहां पर लोगे तुम फोर्टी, तो फोर्टी लोगे तो फिर यहां कितना आएगा एट आएगा ना। उसी तरीके से और भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं ट्वेंटी वन, चलिए आप ट्वेंटी वन लीजिए, तो ट्वेंटी वन प्लस फोर्टी टू सिक्सटी थ्री, सिक्सटी थ्री बाई सेवन नाइन आ गया। दूसरा अब हम उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो देखो वहां पे लिखा हुआ है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, है ना, वाई माइनस में रहेगा उधर दे देंगे एक्स माइनस सिक्स थ्री वाई, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस, तो वाई बराबर कितना हो गया एक्स माइनस सिक्स बाय थ्री। अब तुमको क्या करना है यहां से टेबल बनाना है, टेबल बना
कितने बार बनाते हैं? टेबल बनाना तो एकदम आसान सा है, हम क्या करते हैं यहीं पर टेबल बना देते हैं। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू क्या लें, मान लेते हैं जीरो, तो माइनस टू है ना, x का वैल्यू अगर जीरो लिए तो माइनस टू, y का वैल्यू फिर x का वैल्यू मान लो कि जीरो, फिर मान लो तो थ्री लेंगे, थ्री लेंगे तो माइनस, फिर सिक्स लेते हैं तो जीरो, नाइन लेंगे तो वन, बन गया ऐसे। अब हम इसको ग्राफिकली जब बनाना है तो सबसे पहले तो हम एक ग्राफ पेपर का यूज करो, तुम लोग ग्राफ पेपर तो होगा ना। अब ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे हम ले सकते हैं, देखो एक्चुअली में क्या है कि ये आगे आपका 0, 7, 14, 21 बहुत बड़ा तक चला गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से लेते हैं कि इसको मान लेते हैं 5, फिर मान लेते हैं 10, 15, 20, फिर इधर लेंगे 5, 10, 15, बराबर डाला गया ग्राफ पेपर में जो दिया रहता है ना उसी पर लेंगे 5, -10, -15, फिर उसी तरह से सेम नीचे लेंगे। अब आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो यहाँ पे 10 लाइन दिया रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा रहता ना। तो ये जब 5 लिए हैं इसका मतलब कि 2 का मतलब 1 हुआ, हुआ ना, तो इसका मतलब पहला पॉइंट देखो तुम्हारा क्या है कि 0, 6 एक्स का वैल्यू कितना है 0, तो y का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का मतलब क्या हुआ 5 से 2 पॉइंट ऊपर, यहाँ एक पॉइंट और दे दिए। फिर क्या है आपका 7, 7, तो 7 का मतलब क्या हुआ कि अब यहां से देखिए 1, 2, 3, 4 ये 6 हुआ, ये 7, ये 7 हुआ ना, और 7 फिर 7, 7 मतलब यहां पे आएगा, मतलब 5 से कितना ये 6 है, तो 1, 2, 7, 7, 7 यहां पे आ जाएगा 7, 7 का पॉइंट। ग्राफिकली आप 9 क्लास में भी पॉइंट को प्लॉट किए होंगे, आप ऐसे 10, 20 भी ले सकते हो तो आसानी से बनेगा, लेकिन थोड़ा खींच खींच बनेगा इसलिए ऐसे ले लेना। फिर क्या 14, 8, तो 14 का मतलब क्या हुआ कि 10 है ना, देखो 15 से 2 पॉइंट पहले ये 14 हुआ, और 14, 8 का मतलब हुआ कि फिर इससे यहां, ठीक है ना, 3 पॉइंट आ गए। अब ये तीनों पॉइंट को मिला करके तुम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देना, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये किसका इक्वेशन आया, ये इक्वेशन आया इसका एक्स 7y 42, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो पहला क्या है 0, -2, तो 0 x का y का -2, तो -2 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, फिर आएगा आपका कितना है 3 -1, तो 3 आपका 1, 2, 3 -1 यहां पर आएगा, फिर कितना है 6, 0, 6, 0 आपका, देखिए ये 6 है और y का वैल्यू 0, फिर 9, 1, तो 9 आपका कहाँ आएगा, यहां से थोड़ा सा नीचे देखो, फिर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रहा है, ऐसे करके 9 मिलेगा, तो मिला देना, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लियर है, इस तरीके से ये बन जाएगा ग्राफिकली, सही में है। तो ग्राफ के हेल्प से हम ऐसे लाइन को खींचते हैं, सही में है। चलिए नेक्स्ट है
देखो कि एक कोच है जो बैट और बॉल को खरीदता है, देखो द कोच क्रिकेट टीम बाय थ्री बैट एंड सिक्स बॉल, तो लेट मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बैट एक्स कॉस्ट ऑफ बॉल वाई, तो क्या कह रहा है कि तीन बैट और छह बॉल खरीदा है 3900, तो थ्री बैट सिक्स बॉल एक ही क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई डाउट है? दूसरा आपका कह रहा है सी बाई लेटर सी बाई अनदर बैट, बैट मतलब एक बैट एंड थ्री बॉल इक्वल्स टू 1300। आज अभी कभी हम लोग दिखा दिए कि तीन बैट छह बॉल 3900, एक बैट तीन बॉल 1300। अब कहा कह रहा है इसको कि ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए, ज्योमेट्रिकली मतलब कि इसका सॉल्यूशन पॉइंट पॉइंट दिखाना, जो टेबल बनाते हैं बस वो टेबल बता देना है तुमको, उसको ग्राफ पे नहीं दिखाना, ज्योमेट्रिकली मतलब वही पॉइंट आपको सिर्फ बताना है, तो बताना है तो फिर हम लोग क्या करें, हमेशा वाई को रखना है यहां से हम लोग निकालना, तो लिखेंगे सिक्स वाई थ्री नाइन जीरो माइनस थ्री एक्स, तो वाई बराबर क्या हो गया थ्री नाइन थ्री एक्स बाय कितना सिक्स। अब आप गेस कीजिए, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप मन में सोच लीजिए कि यहां पर एक्स और वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। एक्स वाई बताइए, तो एक्स को क्या लेंगे, अगर बाय चांस हम एक्स को लेते हैं 100, एक्स को कितना लेते हैं 100, तो 3900 माइनस 300 कितना हो गया 3600, 6 से डिवाइड किया ये आया, मतलब एक बैट का दाम अगर 100 रुपया था तो बॉल का दाम फिर कह रहे हैं तो कुछ 150 ले लेते हैं, 150 करेंगे नहीं 150 मतलब थोड़ा सा कहकर 300 लेते, आप अपने मन से ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं हम बोलेंगे नहीं कि नहीं लोगे, तुम अपने मन से लेना, लेकिन कोशिश करना कि कुछ ऐसा वैल्यू लो जो कि नीचे वाला टर्म से कट जाए, नहीं तो तुम लेने के लिए कुछ भी ले सकते हो कुछ भी, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता है, तब तो बैट का दाम 44 रुपया भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 45.5 भी हो सकता है, वहां पे 300 लेंगे तो कितना होगा 500 कट गया ना एग्जैक्ट, फिर अगर हम यहां पर लेते हैं 500 तो 400, अगर हम वहां पर ले लें 400 तो फिर यहां कितना आएगा, तो 1200 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 2700, तो आ जाएगा आपका 2700 थ्री से कर 450। आप चेक कर लीजिए थोड़ा सा, तुम ऐसे तुम बना सकते हो, ये ज्योमेट्रिकली हो गया, और तुमको ग्राफ पे अगर बनाना होगा तो ग्राफ पे खींच करके फिर हम लोग लाइन तो खींच ही सकते हैं। दूसरा आप इसका बनाना चाहिए, तो इसका बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, थ्री वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1300 माइनस x बाय में 3, क्या बनाइए तो फटाफट
चलिए इसमें तो और आसानी से बना देंगे गोल टेबल। X और Y सोचिए फटाफट, हम लेंगे 400, आप सोच नहीं पाए 400 लेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 1300 में से देखो 1300 में से 400 माइनस कर दिया 900, 900 बाय 3 तो 300, फिर ले लेते हम 700, 1300 में से 700 घटाएंगे तो 600 बाय में 3, ये हो गया आपका 200, और सोचिए 1000 यहां पे आपका 100 आ जाएगा, अगर यहां पर 1300 देंगे ये आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम पहले अलजेब्रिकली, ये कहलाएगा ज्योमेट्रिकली, इसको आप ग्राफ पर पॉइंट चाहो तो दिखा सकते हो, पॉइंट को अगर मिला दोगे तो ग्राफिकली हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जो है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, एप्पल लिया हुआ है और ग्राफ्स दिया हुआ है, तो दो वेरिएबल है तो दो को, एक को एक्स मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे, लिखते हैं कि लेट थर्ड लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल एक्स पर केजी, ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ ग्राफ्स y पर केजी। अब यहां पे दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 2 केजी एप्पल एंड 1 केजी ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160, तो 2 केजी एप्पल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, 2 केजी एप्पल मतलब 2x एंड 1 केजी ग्रेप्स 160. फिर दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 4 केजी एप्पल, मतलब यहां पर हमें इधर मिलती है 4 केजी एप्पल मतलब कि 4x प्लस 2y, 2 केजी ग्राफ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 300, ये हम लोग अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिए। अब ज्योमेट्रिकली मतलब इसका टेबल बनाना है, तो टेबल बनाना है तो टेबल बनाना तो बिल्कुल आसान है ना, तो कैसे बनाएंगे हम, तो फिर यहां पे y 160 माइनस 2x, मैंने तो सोच ही लिया बहुत सारा पॉइंट, चलिए तो जल्दी से बताइए आप फटाफट, आप सोच लिए तो x और y क्या क्या सोचिए, हम 20 से चलेंगे 20, तो ये हो गया 120 होगा ना, 2 × 20 = 40, 160 माइनस 40 120, अब यहां पर लिखे 40 80, 160 माइनस 80 80, फिर हम ले लिए यहां पे 60, ये कितना आएगा 40, फिर 60 18, ठीक है। दूसरा यहां से 2y, तो यहां पर 2y का कितना लिखेंगे 300, 4x तो y बराबर 300 4x बाय में 2, तो अब यहां से टेबल बनाएंगे,
तुम बहुत बड़ा टेबल ही बना सकते हो। बताइए तो फटाफट एक्स वैल्यू क्या लोगे तुम? पर हम ले लेते हैं 25। चलिए 25 से चलते हैं। तो 25 अगर लेंगे तो आपका हो जाएगा 25 × 4 100 300 - 100 200 200 by 2 तो आपका आ गया 100। यहां पर लीजिए फिर 50, तो 4 × 50 200 तो 300 - 200 100 100 by 2 50। अगर आप यहां पर ले लीजिए 100 तो 300 - 400 - 100 - 100 by 2 - 50। ऐसे आप और बड़ा सके वर्ग बना सकते हो। और फिर इसको आप तुम ग्राफ पे भी प्लॉट करना, ग्राफ पे प्लॉट करके ग्राफिकली भी उसको बना ही लेना, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट वे में किस तरीके से, तो जैसे यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ तो हम उसको